और यहाँ पे और भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट यू कैन फाइंड द बेस्ट प्रॉपर्टी हियर विच इज़ दी हॉस्टलर। काफ़ी बड़ा है अंदर से, बाहर से देखने को नहीं लग रहा। पार्किंग वार्किंग आप देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छा पार्किंग है। Hi, good morning. Welcome back to my vlog. And today is 15th of March 2021. ये हॉस्टल है वो जिसमें मैं रुका था, जैसा कि मैंने अपने पहली वीडियो में बताया था। और ये स्पेशली वीडियो मैं सिर्फ हॉस्टल्स के ऊपर बना रहा हूँ कि कितने अच्छे अच्छे हॉस्टल्स आप कम बजट में रह सकते हो। तो ये वो हॉस्टल है जिसका नाम है दी हॉस्टलर, जहाँ पे मैं रुका और यहाँ की मैं रिव्यूज़ आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको एक बार इस हॉस्टल का टूर दे दूँ ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि क्या है। बेसिकली ये हॉस्टल दी हॉस्टलर जो है वो अंजुना बीच के पास है। यहाँ से कर्लीज़ आप देख रहे होंगे, कर्लीज़ काफ़ी नामी सैक है जहाँ पे पार्टी वार्टीज़ होती हैं रात में और शाम में काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। जैसा कि मैंने आपको बीच दिखाया, कर्लीज़ दिखाया, मेरी अदर वीडियोज़ में सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। तो ये सारी चीज़ें इधर से बिल्कुल 200 मीटर्स के वॉकिंग पे है। और यहाँ पे और भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट यू कैन फाइंड द बेस्ट प्रॉपर्टी हियर विच इज़ दी हॉस्टलर। काफ़ी बड़ा है अंदर से, बाहर से देखने को नहीं लग रहा। पार्किंग वार्किंग आप देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छा पार्किंग है। और बात आती है टूर की, तो फटाफट से टूर दे देते हैं। सो अंदर एंटर करने के बाद, दिस इज़ दी एरिया वेयर यू कैन पार्क योर स्कूटी और कार और वॉट एवर। उसके बाद आप जैसे एंटर करोगे ना, आपको सामने ये भैया जो खड़े हैं यहाँ पे अपना सामान लेकर, यहाँ पे आपको चेक इन करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो आप यहाँ पे ईज़िली आकर अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा कर यहाँ पे चेक इन कर सकते हो। दिस इज़ दी रिक्रिएशनल एरिया एक तरीके से, और यहाँ पे सब लोग बैठ कर चिल कर रहे होते हैं। आप अगर स्मोक कर सकते हो तो स्मोक कर सकते हो यहाँ पे, और ड्रिंक वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ इनके मेन्यू है, मेन्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये कॉमन वॉशरूम है, काफ़ी यहाँ पे चिल सीन रहता है, रात में लाइट वाइट जल जाती तो अच्छा माहौल बना रहता है। और ये इनका अपना किचन स्पेस है। सॉरी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे अभी, क्योंकि मार्च ऑलरेडी हाफ निकल चुका है और ह्यूमिडिटी अभी कुछ 12:30 का टाइम हो रहा है। मैंने यहाँ से चेकआउट कर दिया है, मेरा 3 दिन का स्टे था यहाँ पे। ये डॉर्म है, मिक्स डॉर्म है, फुल एसी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये मिक्स डॉर्म दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, 12 बेड्स है इसमें, तो 6 बेड एक तरफ है और 6 बेड दो तरफ है, और दोनों के लिए वॉशरूम एक ही है। यहाँ पर सारे हर तरीके की लाइट, चार्जिंग पोर्ट्स और हर तरह की फैसिलिटी है। गद्दे काफ़ी अच्छे हैं, सही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, अच्छा और सही लगेगा आपको यहाँ पर आके। और एसी जो है, आप लॉकर के लिए आपको अलग से 500 का डिपॉजिट देना पड़ता है। एसी जो है वो ये कहते हैं कि शाम के 7 बजे से सुबह के 8 बजे तक ही चलेगा, बट हमने बीच बीच में चलाया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। ऑल दो रिमोट होना चाहिए बस। जो वॉशरूम है इस वाले डॉम से, डॉम के पास में है। सो ये वॉशरूम है जो कि 12 लोगों के लिए है, मतलब क्योंकि मिक्स डॉर्म है तो उसके लिए एक है। गीज़र वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पॉइंट नहीं, सॉकेट अंदर नहीं है कुछ लगा कर। अगर आपको यूज़ करना है हेयर ड्रायर वगैरह तो आपको बाहर यूज़ करना पड़ेगा। ये यहाँ पे इन्होंने अच्छा सा वो ड्रेसिंग टेबल टाइप दे रखा है। तो अभी मैंने चेकआउट कर दिया है, दैट्स वाई भैया साफ़ सफाई में लगे, क्योंकि और लोग चेक इन करने वाले हैं। भैया हमारे साथ है, ये बहुत अच्छा यहाँ पे क्लीननेस का ध्यान रखते हैं, सब कुछ यही करते हैं। तो आप आओगे तो इनसे भी मिल सकते हो। हियर इज़ लक्ष्मण सर, इज़ दी मैनेजर ओवर हियर, और ही इज़ टेकिंग अस टू दी रूम। सर, व्हाट वी कॉल इट एज, हट रूम, प्राइवेट हट, डिलक्स प्राइवेट हट, डिलक्स प्राइवेट हट। सो व्हाट्स दी प्राइस जनरली? जनरली अबाउट 2,500 to 3,000। दिस लुक्स रियली रियली नाइस, और सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे अवेलेबल। ओ, यू हैव अ टीवी आल्सो, ग्रेट, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। तो मेरा बाथरूम काफ़ी बड़ा है।
So basically there are four types of rooms available, right? Yes. So the first one is mixed dorm, which dorm. I was staying. ये हो गया वो mixed dorm जिसमें 12 beds है, right? Second one is a normal private room, normal then a private hut, okay. Then a deluxe private hut. Dormitory for females also, it's separate, yes, dormitory separate for female dorm. Okay, that's there also. अपने workstations भी चलते हैं, workstation के लिए ये अपना place है, workstation. This is workstation. यहाँ पे वाईफाई वगैरह भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है अगर आप बाहर, और मैं बोलूँगा डॉर्म में तो थोड़ा वीक हो जाता है, कभी आता है कभी जाता है, बट वैसे आपको अगर कुछ भी काम करना है तो यू कैन सिट ओवर हियर एंड वर्क. तो ऑल टुगेदर वी स्टेड हियर फॉर ऑलमोस्ट 3 days, 400 रुपये लगे इंक्लूडिंग द GST फॉर 1 day ऑफ स्टे. अभी हमने खाना खाया, मैं ये फुटेज भी डाल देता हूँ खाना खाने का. शेजवान राइस लिया हमने और दूसरा हमने लिया लच्छा पराठा विथ दाल, दाल तड़का. तो खाना बहुत बहुत सही था, मस्त था, एकदम मज़ा आ गया. और ये बहुत फेमस, ये भी एक हॉस्टल है, दी फंकी मंकी, बट इसका थोड़ा प्राइस हमें ज़्यादा दिखा रहा था, 900 रुपये पर हेड दिखा रहा था पर डे, तो हमने नहीं किया था. एक बार मैं इनसे अंदर जाकर पूछता हूँ, अगर ये अलाउ करेंगे तो मैं ये भी हॉस्टल आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, क्या है, क्योंकि दोनों जो हॉस्टल है ना बिल्कुल बाउंड्री शेयर करती हैं. ऑल राइट, सो आई हैव मेट टू वंडरफुल पीपल. दे आर फ्रॉम, यू आर फ्रॉम? Yes. Yeah. I'm from Delhi. You are from India. Yeah, I'm from Delhi too. Oh, you are from? I'm from MP, Gwalior. Okay, Gwalior. So, अभी आप लोग एक महीने से हो ना गोवा में? Yeah. Then Goa for 1 month. We were staying in Morjim. Okay. But now we wanted to try hostel, so we came here. Morjim में आप किधर रुके थे? मतलब In an apartment. Okay. For एक महीने के लिए आपने rent कर लिया था. कितना पड़ा वो? 28,000. 28,000. You two people sharing there? Yes, yes. Four people. Four people. Two people. That's cheap. That's okay. Yeah, yeah. ओके, सो अभी आप फंकी मंकी में कितने टाइम हम कल रात को यहाँ पर चेक इन किया हम लोगों ने. अच्छा, क्या क्या प्राइस में आपने बुकिंग, एक रूम आपने लिया है ना या बंक बेड? डॉर्म्स, डॉर्म्स लिया आपने, प्राइवेट रूम नहीं लिया. ओके, तो क्या कॉस्टिंग पड़ा डॉर्म्स को? अराउंड 450 फॉर वन डे. 450 फॉर वन डे, वो इंक्लूडेड नहीं है ब्रेकफास्ट में? ऑल राइट, सो हाउ आर यू लाइकिंग दिस स्टे? It's good for work actually. It's very peaceful here. Not a party type location. It's peaceful because the hostelers is just beside it. Yeah. और वहाँ थोड़ा थोड़ा और happening है. So the great part about is like the campus is big. So we have a lot of space to sit and discuss a lot of stuff over in that open area. Okay. That's a good point. And even the common room that we have, it's very good. This is the dorm. No, this is not dorm. This is common room. This is common room. Okay. Okay. So actually I'll have to take permission for showing you around. So if they agrees, I'll show you around for sure. Okay, all right. So today is 21st of March 2021. I'm staying at the Piggy Hostel. So basically this is the cheapest hostel I am staying in Goa till now. Piggy Hostel मुझे 290 rupees per night में पड़ा है, which is for 10 bed mixed dorm AC room. आपको AC 24/7 के लिए मिलेगी जिसमें कोई भी maintenance time नहीं होगा. So होता क्या है कि बहुत सारे hostels में, actually हर hostel में atleast 2.5-3 घंटे का, या कुछ hostel में 12-12 घंटे का के लिए आप AC नहीं चला सकते, सिर्फ रात में चला सकते हो, या फिर दोपहर या सुबह के 10 से 2.5-3 बजे तक नहीं चला सकते हो, क्योंकि उनका मेंटेनेंस टाइम होता है, तब वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे होते हैं. यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यू कैन हैव योर एसी ऑन ऑल द टाइम. दिस इज़ द एंट्रेंस एंड वंस यू एंटर फ्रॉम हियर यू विल सी दिस इज द 10 बेडेड एसी डॉर्म, जो कि काफ़ी स्पेशियस है. आई वुड रियली रियली से कि काफ़ी स्पेशियस है. अमीनिटीज़ की बात करूँ तो ज़्यादा कुछ ऊपर है नहीं कि लाइट्स वगैरह दे दिए या कुछ ऐसा दे दिया, बट द थिंग इज़ आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, और एक यूट्यूब ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर के लिए इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है कि उसको एक पॉइंट चाहिए, सो दैट आई कुड प्लग इन माई एक्सटेंशन वायर एंड आई कुड चार्ज एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग. काफ़ी अच्छा रूम है, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रही है, और थोड़ा सा इधर हल्का सा डैम्प है, बट नेवर माइंड. 290 रुपीज़ फॉर अ नाइट, तो आप समझ सकते हो कि कितना सही है. और ये शेयर्ड वॉशरूम आपको सही है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है.
पॉट वॉट भी क्लीन है, वॉशरूम भी क्लीन है. ही इज वैभव, ही इज द रिसेप्शनिस्ट हियर. सो हाय. किस किस तरह के रूम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं? वी हैव प्राइवेट रूम्स एंड डॉम्स एज वेल. ऑल राइट, सो डॉम्स, इन डॉम्स वी हैव मिक्स डॉम, या 10 बेड. 101 इज मिक्स डॉम एंड 102 इज अ फीमेल डॉम, एंड वी हैव टू मोर डॉम्स इन दैट प्रॉपर्टी. ऑल राइट, इट बिलोंग्स टू अस. Yeah. That is also a piggy hostel. Yeah. Upstairs there are private rooms. Yeah, there are private rooms only. But they all are occupied, so we just going to check. Okay, no issues. No issues. This is the gallery, having 4 rooms. And all of them are AC. Yeah. All of them are AC and double occupancy. What's the average tariff of this? Average tariff will be 1,000 to 1,500. It fluctuates every day. This is the room. This is the double bedded room. All of them are same. Yeah. Almost same. Almost. Balcony bhi hai, so you can enjoy the view. No issues at all. So that's the main Piggy hostel. Ye bhi unhi ka part hai. These are dorms. Okay. 10-bedded dorm. Which is AC again. Okay. The price is like $295 for one night. And sometimes it goes up to $350. Yeah. So the lowest is $295 per night. Yeah, right. Lowest is, yeah. Okay, okay. They don't have kitchen, but they do have a restaurant. So you can eat over there, and that's a lovely, lovely place to eat. And thank you so much, Vaibhav. My pleasure. And he's looking smart. आप comment में ज़रूर लिख देना. कैलंगुट आ चुका हूँ मैं, और ये hardly 250-300 meters होगा अपने hostel से, Piggy hostel से, by walk. और मुझे 5 मिनट लगा. Expected line से कम भीड़ है. मे बी शाम के 4-5 बजे तक काफ़ी भीड़ हो जाएगी. So here I am in Palolem, South Goa. ये गॉस्टल है. You can see this is the गॉस्टल property. यहाँ पे आपको 350 rupees में रूम मिल जाएगा, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होगा. Hi brother, can I know your name please? Arun. Arun. Arun is here with me from Delhi. Okay, I tried calling you a couple of times, but we could not like reach because of network. Yeah, maybe. Let's go. So first of all, sir, किस तरह की rooms या package आपके पास available हैं? We have couple of dorms and couple of private rooms. Like we have a 3 non-AC private room and we have a 2 AC private room. Okay. Then we have a 18-bed mixed dorm AC. Then we have 4-bed AC mixed dorm. Then we have female dorm 6-bed AC, and then we have 6-bed non-AC. All right, तो काफ़ी सारे options मिल जाएंगे आपको यहाँ पे. And if I'll talk about the mixed dorm, 18-bed mixed dorm, so what's the price range like? At the moment, like these days, is 350 per night, including the breakfast. Yes. Okay, so what do we all get in breakfast? So depend, like aloo paratha, fruit salad, tea or coffee, sometimes French toast. Sometime like what you call them, dosa. Okay. French toast, dosa, aloo paratha. Some other thing. They like we change every day. New mixed, breakfast. Mixed kind of. ये नहीं कि सिर्फ continental है तो continental या कुछ ऐसा. So mix, change every day. All right. So this is the entrance. यहाँ से common area and there is a common kitchen, so you can make your own food like tea, coffee, Maggie. ओके, व्हाटएवर यू वांट टू मेक यू कैन मेक लाइक सारी चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी. यू कैन मेक एवरीथिंग हियर, और खा पी सकते हो आप. बस वही है, प्लेट्स धो देना यार. यू कैन आल्सो प्ले नेटफ्लिक्स देयर, फील फ्री. ओके, दैट्स अ स्मार्ट टीवी. यू कैन प्ले नेटफ्लिक्स ओवर देयर एंड चिल हियर. दिस इज द कॉमन वॉशरूम आई गेस. दिस इज द कॉमन वॉशरूम. आई विल जस्ट गिव यू अ स्नीक पीक. सो दिस इज द सीक्रेट. दिस इज क्लीन एंड नाइस. This is the recreational area, okay? And now we will go upstairs. Look at the beautiful stars. I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. All right, so this is the private room, I guess. Yes. Okay, so this is what private room? Is good.
छोटा सा नहीं, क्वाइट कम्फी एंड वॉशरूम इज ऑल्सो गुड, क्लीनिंगनेस इज ऑल्सो गुड। सो ये वाला जो रूम था डबल बेड एसी रूम, ये 2100 पर नाइट के अराउंड में किया था भैया ने, इंक्लूडिंग द ब्रेकफास्ट। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, इज द फीमेल डॉम, फीमेल डॉम, पिंक पिंक है, पिंक पिंक, क्या बात है। और अंदर एसी चल रही है, काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर बात करूँ ये दिस इज वेकेंट एंड अंदर सारी फैसिलिटीज आर देयर, लाइट मिल जाएंगी एंड चादर तकिया सब कुछ अवेलेबल है, लाइट्स हैं। एंड हियर इज स्मॉल स्मॉल ड्रेसिंग एरिया, ओके स्मॉल ड्रेसिंग एरिया एंड ये वॉशरूम, आप यहाँ आकर रुक सकते हो। दिस फील्स रियली रियली नाइस एंड काफ़ी कोजी फीलिंग है यहाँ। फोर बेडेड मिक्स्ड राइट, दिस इज़ फोर बेडेड मिक्स्ड डॉम और एसी काफ़ी अच्छी चल रही है भैया की हर जगह की, या तो गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है वरना एसी बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है अंदर रूम्स में जाकर। एंड दिस इज़ कॉमन रिक्रिएशन एरिया राइट, और को वर्किंग स्पेस, बोथ वी कैन कॉल इट बोथ। सो काफ़ी सही है, काफ़ी स्पेशियस एंड दिस इज़ ऑन टेरेस, तो यू कैन फील द ब्रीज और रात वात में काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह के साथ यू कैन इन्जॉय ओवर हियर और यू कैन सी द व्यू। आप व्यू देख सकते हो कि कितना सही व्यू है और व्हेन यू विल कम इन द मॉर्निंग सुबह सुबह आपको काफ़ी अच्छा फील होगा यहाँ से। और अरुण सर तो होंगे ही आपके साथ अच्छा फील कराने के लिए। आप सर दिल्ली जा रहे हैं? अरुण सर दिल्ली जा रहे हैं, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, तो कह रहे हैं मैं दिल्ली जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम में आऊँगा, गर्मी यहाँ बढ़ गई है, वहाँ भी बढ़ गई है, तो मैं वहाँ एसी में रहूँगा। अगर प्राइसेस की बात करूँ तो इसकी क्या रहती है ऑन एन एवरेज? 650 फॉर फोर बेडेड मिक्स डॉम, सिक्स बेडेड फीमेल डॉम 450। बहुत ज़्यादा गर्मी में आ रहे हो, अप्रैल मई जून के टाइम में आ रहे हो, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आप यहाँ से मैंगो भी तोड़कर खा सकते हो और भैया को दे दोगे तो मैंगो शेक भी बना देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 101 एंड दिस इज प्राइवेट रूम, सिंगल बेड प्राइवेट रूम बट दिस इज नॉन एसी राइट। द प्राइस फॉर दिस, एवरेज प्राइस फॉर दिस 850, अराउंड 850 में ये आपको यहाँ मिल जाएगा। टॉकिंग अबाउट द लॉकर फैसिलिटीज, हर बेड के नीचे आपको ऐसे दो लॉकर मिल जाएंगे। इसके कोई अलग से चार्जेस है भैया लॉकर के? कोई डिपॉजिट कुछ भी? No deposit, no nothing. Just carry your own lock. Just carry your own lock, key, lock and key. This is the 18 bedded mixed dorm, जिसमें आप 350 के अराउंड में रख सकते हो, including the breakfast. 18 bed AC mixed dorm है ये, और ये है 350 rupees, which is quite spacious. Here's the bed. डिसेंट बेड, जो सारे डॉम्स में या रूम्स में है वैसा ही बेड है। वी हैव ओनली वन वॉशरूम, टू वॉशरूम, ओके टू वॉशरूम फॉर 18 पीपल, दैट्स ओके। I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, try not to hold me down, feel गॉस्टल का जो गेट था वहाँ से अभी सीधा आ चुका हूँ, जो कि मुझे पैलेलम बीच पे ही ले जाती है। दिस इज़ द व्यू, दिस इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल व्यू। रेनबो लाइनिंग करके इसकी भी गूगल पे रेटिंग जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड 8.8 और 9ish है। ये थोड़ा ना मेन रोड से हटकर है, जिधर से आप गॉस्टल के सामने से आप गए वहाँ से 200 मीटर ही था, बट वहाँ से कुछ भी ऐसा मार्क दिया हुआ नहीं है, मुझे पूछ पूछ कर आना पड़ा। मॉग बार एंड ग्रिल के नाम से है ये, बट इसमें आप जब अंदर देखोगे तो ऊपर में वो देखो रेनबो लाइनिंग हॉस्टल लिखा है। विकास सर इज हियर विद अस, ही विल गिव अस द टूर। डू वी हैव पार्किंग हियर? हम पार्क कर सकते हैं अपनी स्कूटी या बाइक या कुछ भी? यहाँ पे पार्किंग है नहीं अपनी पास, ओके फिलहाल, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ओके वहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते। अच्छा, कोई भी स्कूटी वगैरह भी नहीं कर सकते पार्किंग? तो अगर आते हैं तो फिर वो बाहर या कहीं भी अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर ऐसी जगह है तो वो देखना पड़ेगा। ऑलराइट, और ये रिसेप्शन का एरिया है। कौन सी तरह की रूम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे? हमारे पास 4 बेड है, 10 बेड है, मिक्स डॉम है ये, okay. सारे एक प्राइवेट रूम है, okay. और एक फीमेल डॉम है। यहाँ आप देख सकते हो एसी है और ये कुछ सेम तरह की जिस तरह की वहाँ दूसरे हॉस्टल्स में होते हैं वैसे ही बेड्स हैं। यहाँ एक छोटा सा टेबल भी लगा है, आप अपना कुछ भी कर सकते हो। और वॉशरूम है एज यूजुअल, जैसा हमने हॉस्टल में भी देखा था वैसा वॉशरूम है।
कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इजीली सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं यहाँ पे, आप आ सकते हो। और ये फोर बेड मिक्स डॉम है, सिक्स बेड एसी फीमेल डॉम है, इसमें अभी जा नहीं पाएंगे क्योंकि फीमेल डॉम है, बाकी ऑलमोस्ट सेम सा ही रूम है, ये थोड़ा डिफरेंस है, कर्टन वगैरह पिंक वगैरह है ना। ओके, तो जैसा हॉस्टल में है वैसा ही ऑलमोस्ट ऐसा ही है। और लॉन्ड्री वगैरह की अगर बात, लॉन्ड्री वगैरह वो चार्जिंग लेता है, क्या चार्ज है? 120 रुपीस पर केजी। ओके, और अगर फोर बेड वाले मिक्स डॉम की बात करूँ तो वो कितना होगा सर? वो 670 आएगा, वो 670 आएगा। ये सारे में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है? हाँ, सब में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Review time. ठीक है, सही है। अगर आपको गॉस्टल नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ आकर रुक जाओ। नो डाउट यहाँ से बीच बहुत पास में है, बट यहाँ उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, जितना उतना खुला और उतना सब कुछ अच्छा नहीं लगा जितना मुझे गॉस्टल का लग रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। तो गॉस्टल को मैं ऊपर रखूँगा और इसको उसके नीचे रखूँगा लिस्ट में। आपको अगर गॉस्टल में मिल रहा है तो पहले आप गॉस्टल में रुक जाओ, उसके बाद अगर आपको गॉस्टल नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ रुको। लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंस ये है कि आप बीच के बिल्कुल ही पास रुको तो फिर आप यहाँ रुक सकते हो, वरना गॉस्टल इज़ बेटर। सो हाई अगेन, ये है गॉस्टल, आप देख पा रहे हो, और इसके सामने वाले रोड पे मैं चला गया तो मैं पहुंच गया था 200-250 मीटर पहुंच गया था द रेनबो लाइनिंग हॉस्टल, जो कि दोनों इन्हीं का है। एंड अगर इस हॉस्टल से आप सीधा आते हो, इधर बढ़ते हो, तो आप सामने देख पा रहे हो द लॉस्ट हॉस्टल। द लॉस्ट हॉस्टल स्पेशल लस्सी, बटर मिल्क, फ्रेश जूस, सी फूड, फ्रेश ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सम मेमोरीज। वाओ, यहाँ से एंट्रेंस है और उनका हॉस्टल कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया, वंस यू विल एंटर फ्रॉम हियर यू विल सी द रिसेप्शन एरिया एंड यू विल मीट निक ओवर हियर, हु डजंट वांट्स टू बी ऑन कैमरा फॉर श्योर। सो निक विल बी गिविंग वॉइस ओवर फ्रॉम हियर। या सो दिस इज़ द बार एंड दैट इज़ द कैफे एंड दिस इज़ द प्लेइंग एरिया। या एंड दैट्स द रिसेप्शन, दैट्स द पार्किंग देयर एंड here we have AC and non-AC dorms available. 14 bed dorms is like 350 per bed. Okay. And 8 bed dorm is like 500 per bed. And we have huts and tents available. Huts and tents. Yeah. Hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Be someone else, I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else.